हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो जो है सोमवार से हो रही है। तो इस महीने का ये लास्ट सोमवार है और यहाँ पे देखो गांव में एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली आई है। तो ये बिल्ली पता नहीं किसने छोड़ी है, और ऐसे जो है जानवरों को जब पाल नहीं सकते तो ऐसे गाँव में छोड़ देते हैं और इनको इनकी किस्मत के भरोसे रख देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि डॉग्स वगैरह इनको मार देते हैं, तो इसीलिए जो है हमने इस बिल्ली को यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ दिन तक इसको सेफ रखेंगे जब तक ये थोड़ी बड़ी ना हो जाए और अपना घर अपने हिसाब से अपने अनुसार से जो है प्रकृति का सामना करने के काबिल ना हो जाए। तो अभी ये बहुत छोटी बच्ची है। मैं, मम्मी और जो है ताई जी वो आसो मंदिर में जा रहे हैं, आशुतोष महादेव के मंदिर में, जो हमारे गाँव से थोड़ा सा दूर है आसो विलेज में। तो आपने जो ये जो पुल है ये हमारे गांव का सबसे पुराना पुल है। अभी हम जा रहे हैं डिंडिया गांव वाले रास्ते पे। तो ये जो रास्ता है ये जंगल के बीच से होता हुआ डिंडिया गांव जाता है, और डिंडिया गांव जो मेरे पीछे वाली पहाड़ी है इसके बिल्कुल टॉप पे है। तो हमने जो है लगभग ये पहाड़ आधा चढ़ लिया है और यहाँ से जो है ऊपर डिंडिया गांव थोड़ा सा ही है और यहाँ से मेरा गांव जो है बिल्कुल नीचे दिखता है। तो यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, ये जो ऊपर वाला रास्ता है ये जाता है डिंडिया गांव के लिए, और ये वाला जो पीछे वाला रास्ता है ये जो रास्ता जाता है ये मेन जंगल से होता हुआ आसो गांव की ओर जाता है, और ये रास्ता हमको थोड़ा सा सीधा और शॉर्ट पड़ता है। तो इसीलिए अभी हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं। तो मेरे को इस जंगल की लोकेशन काफ़ी खूबसूरत लगती है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जंगल जो है स्लोप में है और यहाँ पे बहुत सारी चीड़ की पत्तियाँ पड़ी रहती हैं, जिससे जो है जंगल के व्यूज़ काफ़ी खूबसूरत हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं दोनों तरफ चीड़ के पेड़ और बीच में एक पतला सा खूबसूरत सा रास्ता, तो वही वाला जो यहाँ से नज़ारे हैं वही लगते हैं। तो ये नज़ारे अच्छे लगेंगे, तो चैनल नमस्ते गढ़वाल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे देखोगे ये जो चीड़ का पेड़ है ये छोटा सा पेड़ है, और अभी जो है इतना छोटा था इसको जो है किन्हीं लोगों ने जो है लकड़ी के लिए पूरा काट दिया है और अब ये पेड़ पूरी तरह खत्म हो चुका है। तो पहाड़ों में कुछ ऐसे अज्ञानी लोग भी होते हैं जो पेड़ों को बचाने की जगह जो है उनको खत्म कर देते हैं और हमारे जंगलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज में दिखाया है, कोई लोग ऐसे होते हैं जो जंगलों में आग लगा देते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे छोटे छोटे पेड़ों को काट देते हैं। तो पहाड़ों में पेड़ों को बचाना चाहिए। तो हमारे गांव में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि यहाँ पे बुरांस जो है बुरांस जो है पूरी तरह खिल चुके हैं, और अब जो है कुछ टाइम बाद फूलदेई का त्यौहार आएगा। तो हमारी गांव वाली साइड जो है वो बुरांस खिल चुके हैं। तो दरअसल मैं जब जा रहा था तो मैंने एक पेड़ में बहुत सारे बुरांस देखे, और मैंने सोचा जब हम आशुतोष महाराज के पास जा रहे हैं तो कुछ बुरांस लेके चलते हैं। ये जो सामने गांव है ये क्योंजा गांव है, और क्योंजा गांव जो है हमारे इलाके का काफी बड़ा गांव है, और अभी हम जो है आसो जा रहे हैं। तो आसो बिल्कुल यहाँ सामने पे है, और ये जो गांव दिखाई दे रहा है इस गांव का नाम जैकंडी गांव है। यहाँ पे लोग सुबह सुबह जो है गाय को चराने के लिए जंगल में लेके जा रहे हैं। तो अभी जो है मैं उस लोकेशन पर पहुंचा हूं जहां से आशुतोष महादेव के लिए पानी लेके जाया जाता है और भगवान शिव को जो है पानी चढ़ाया जाता है। तो ये जो बड़ा पत्थर है इसके नीचे से यहां से पानी आता है, और ये पानी जो है आशुतोष महादेव को चढ़ाया जाता है। मैंने एक गगरी पानी भर दी है और एक लोटा यहाँ पे पानी भर दिया है। तो मैं जो हूँ गगरी पे पानी लेके जा रहा हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा दूर मंदिर है तो जल्दी से पानी चढ़ाते हैं
क्योंकि नारी देवी जो है वो हमारे विलेज में भी आ रही है, तो हमारे घर पे आएगी तो देवी के स्वागत में जो है सारी तैयारियां होनी चाहिए, तो इसीलिए जो है जल्दी से पानी चढ़ाते हैं और फिर जो है घर निकलते हैं। ये जो मंदिर है ये आसो गांव में है और मम्मी जो है यहाँ पे पूजा कर रही है, तो हमने जो है बाबा भोलेनाथ की पूजा कर दी है और अब जल्दी से चलते हैं गाँव की ओर। तो आपको पहाड़ों में जगह जगह पे ऐसे छोटे छोटे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दो लोमड़ियाँ जो है एकदम से इस वाले रास्ते से आई और उधर भाग गई। जब तक मैं कैमरा खोलता तब तक वो उधर चली गई थी। तो लोमड़ियाँ जो है रोड रोड जा रही हैं और ठीक वहाँ पे हल्की सी दिख रही है। तो लोमड़ियाँ देखो रोड रोड जो है सीधे हमारे आगे आगे जा रही है, तो पता नहीं आज कहाँ जाएंगी। तो लोगों ने ऐसे सुनसान जंगल में जो है अपनी गाय को चरने के लिए छोड़ा है, तो जब इसका पेट भर जाएगा तो ये खुद ब खुद घर चली जाएगी। तो आजकल लंगूरों को बांझ के पेड़ पे छोटे छोटे बीज खाने के लिए है और सारे लंगूर देखो यहाँ यहाँ उन्हीं को खाने के लिए पेड़ पर आ रखे, और उन्हें लगा कि मैं उनको भगाने के लिए पत्थर फेंकूंगा, तो वो पहले ही डर के भागने बैठ गए। तो नारी देवी जो है आज हमारे गांव में आ रही है और देवी के स्वागत के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। यहाँ पे माता रानी के स्वागत के लिए जो है अर्घ बनाया गया है। अर्घ में जो है चावल फूल तेल दिया जो है देवी माँ को चढ़ाया जाता है। तो देवी की डोली जो है हमारे गांव में आने के लिए जो है कंसली गाँव से आ चुकी है और हम जो है आधे रास्ते तक देवी को लेने जा रहे हैं। हाँ, तो देवी को लेने के लिए आ रखे हैं और देवी यहाँ पे रुक चुकी है। तो कंसली गांव के सारे लोग जो है देवी को छोड़ने के लिए यानी विदा करने के लिए हमारे गांव के पास तक आए थे और देवी यहाँ पे इनको विदा करते टाइम पे आशीर्वाद दे रही है। देवी जो है हमारे गांव में पहुंच चुकी है, यहां पे स्वागत के लिए सारे गांव के लोग आ रखे हैं। ये यहाँ पे देवी माँ को अर्घ चढ़ाया गया है और जो है सारे गांव वालों ने जो है अर्घ में पूजा की सामग्री चूड़ी बिंदी वगैरह सब कुछ जो है देवी माँ को चढ़ाया। देवी माता जो है हमारी कुल देवी माँ ज्वालामुखी माता के दर्शन करने के लिए यानी यहाँ पे मिलने के लिए आई हैं।
आज जहाँ पे देवी माँ स्टे करेगी वहाँ के लिए निकल चुकी है और पूरा जो पिंगला पानी गाँव है वो देवी माँ को विदा करने के लिए रोड पे आ रखा है। और देवी माँ का जो आज जहाँ पे देवी माँ रहेगी, आज जो है जहाँ पे देवी माँ ठहरेगी वो भिराली गांव है। तो अभी जो है यहाँ से डोली सीधे आगे भिराली गांव के लिए निकल चुकी है।